नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर और आइए देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। इम्फाल के मणिपुर विश्वविद्यालय में 16 से 20 मार्च तक आयोजित हुई 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस समाज के सभी तबकों एवं क्षेत्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित करने का लिया गया निश्चय। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किशोर तथा महिला विज्ञान कांग्रेस के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में कार्यरत। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने मनाया 18वां स्थापना दिवस। 5 दिनों तक विविध क्रियाकलापों, व्याख्यानों तथा भारत और विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विचारकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के बीच सामूहिक विचार विमर्श से परिपूर्ण 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इम्फाल के मणिपुर विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस वर्ष की विषय वस्तु थी, समाज के सभी तबकों एवं सभी क्षेत्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत बनाना। प्रौद्योगिकी में विकास के लिए भारत को वैज्ञानिक ज्ञान को अधिक मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोगों तक विज्ञान का प्रसार हो सके जो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। ये तभी संभव है जब हम पूरे वर्ष दीर्घकालीन अनुसंधान को प्रोत्साहन तथा संरक्षण दें। भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हम देश भर में सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा विचार विमर्श के द्वारा युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दें। इस केंद्रीय विषय वस्तु के साथ इस वर्ष इम्फाल में मणिपुर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 105वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय अधिवेशन में समाज के हित के लिए विज्ञान के विभिन्न विषयों पर जोर दिया गया। सच ह्यूज कांग्रेस व्हिच इन्वॉल्व्स स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल लेवल, स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, रिसर्चर साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। थैंक्स टू इसका फॉर होस्टिंग, कंडक्टिंग एवरीथिंग फॉर द लास्ट 105 ईयर्स। 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कई दिलचस्प आयोजन किए गए। सर्वाधिक दिलचस्प आयोजनों में द प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो नामक विज्ञान प्रदर्शनी शामिल थी, जो 18,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक उत्पाद तथा सेवाएं, उपलब्धियां, खोज, भारत के प्रमुख संगठनों की भविष्य की योजनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रयोगशालाओं की झलकियां, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सुविधा, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे कई विषय सम्मिलित थे। सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के खाते में गया। इस पवेलियन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए विभाग की कोशिशों को दर्शाया गया। इसके अलावा प्रदर्शनी में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान प्रसार तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के स्टॉल भी मौजूद थे। यहाँ विभिन्न स्वायत्त शासी संगठनों के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा था। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के पवेलियन में सौर ऊर्जा से चलने वाली कताई तथा बुनाई मशीन दर्शकों की दिलचस्पी का केंद्र रही। ये आसानी से प्रयोग की जा सकने वाली परिवहन योग्य मशीन है, जो बिना अधिक मेहनत के रेशम के विभिन्न प्रकारों जैसे मलबरी, मुगा, एरी तथा तसर की एक साथ कताई तथा बुनाई कर सकती है। ये सोलर सील रीलिंग कम स्पिनिंग मशीन दोनों एक साथ में काम करते हैं, वन टाइम फिनिश प्रोडक्ट। सबसे पहले मल्टीप्लाइबल मेथड, सबसे छोटा बढ़िया काम, इसी तीनों आइडिया से हमने ये निर्माण किया है। प्रदर्शनी में 150 संगठनों के करीब 500 स्टॉल थे। सभी का एक ही उद्देश्य था, देश की जनता के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रदर्शन तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों द्वारा जागरूकता का प्रसार। 5 दिवसीय प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो के विदाई समारोह में प्रदर्शनी में भाग लेने वालों को सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को सर्वाधिक परस्पर प्रभाव डालने वाले स्टॉल का पुरस्कार दिया गया। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सर्वाधिक सूचनात्मक स्टॉल के पुरस्कार से नवाजा गया।
जबकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को एग्जिबिटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मणिपुर राज्य तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग प्राधिकरण को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इनमें 14 सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला ने युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 25,000 रुपए का चेक तथा प्रमाण पत्र शामिल थे। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हु हैव कम हियर, दिस साइंस कांग्रेस शुड नॉट बिकम अ वन टाइम अफेयर, बट इट शुड कंटिन्यू टू हैव द असिस्टेंट and support of your research, your exploration of this unexplored area. पूरा इम्फाल शहर 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ था। मणिपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे ने जोर देकर कहा कि 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के लिए मणिपुर का चयन बिल्कुल सही था। सबसे ज्यादा अनरीच्ड अगर कोई है तो मणिपुर है, तो ऐसे जगह अगर वैज्ञानिक आएंगे ऐसे इम्फाल से शहर में और वो सब चीज़ें देंगे, अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, अपने भाषण लेक्चर देंगे, तो हमारे बच्चे बड़े लाभान्वित होंगे। आयोजन के समापन समारोह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के नव चयनित अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार चक्रवर्ती ने अगले वर्ष होने वाले 106वें अधिवेशन के आयोजन स्थल की घोषणा की। 106th session of Indian Science Congress will be held at Barkatullah University, Bhopal during 3-7 January 2019. भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 5 दिवसीय आयोजन में नवीनतम खोज, प्रौद्योगिकी तथा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की उपलब्धियां आम लोगों को दिखाई जाती है, ताकि उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित हो तथा वो रोजमर्रा की समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान का उपयोग कर सके। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के समानांतर दो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां भी चल रही थी। पहली थी राष्ट्रीय किशोर विज्ञान कांग्रेस, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए स्कूलों के बच्चों ने वैकल्पिक ऊर्जा तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े अपने नवीन विचारों का प्रदर्शन किया। और दूसरी गतिविधि थी 7वीं महिला विज्ञान कांग्रेस, जिसमें महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। ज्ञान विज्ञान पेश कर रहा है दोनों गतिविधियों के महत्वपूर्ण अंश। रोजमर्रा के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का दखल बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित हैं। ऐसे क्षेत्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 5 दिवसीय अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए, किशोर विज्ञान कांग्रेस तथा महिला विज्ञान कांग्रेस। किशोर विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने वाले स्कूली छात्रों को अपनी रचनात्मकता का हुनर प्रदर्शित करने तथा विज्ञान के प्रति दिलचस्पी विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ष लगभग 7,000 छात्रों ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ने पहली बार वैज्ञानिक नमूनों की प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वालों तथा स्कूल से निकल चुके छात्रों को स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली परेशानियों के समाधान में विज्ञान की मदद से अपनी रचनात्मक अनुसंधान क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देना था। इस मंच से छात्रों में खोज करने की जिज्ञासा विकसित हुई। किशोर विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि का विकास करना तथा उनमें वैज्ञानिक सोच प्रोत्साहित करना है। किशोर विज्ञान कांग्रेस में प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नमूनों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इन चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस वी सिलेक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द स्टेट लेवल देन रीजनल लेवल एंड 110 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम्स हेयर इन द चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड दिस प्रोग्राम इज टोटली सपोर्टेड बाय द DST। किशोर विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की भूमिका मजबूत करने के उद्देश्य से 7वें महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया में देश के विकास तथा महिलाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए महिला विज्ञान कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान के क्षेत्र में यद्यपि महिलाओं की कम उपस्थिति है, फिर भी सदैव चिंता का ये विषय रहती है, किंतु मेरा विश्वास ये है कि जिस तरह से भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उसका परिणाम अवश्य अच्छा होगा। महिला विज्ञान कांग्रेस के 3 तकनीकी सत्रों में 12 वक्ताओं के व्याख्यान हुए। इन व्याख्यानों में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या, महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की उपलब्धियां। महिला विज्ञान कांग्रेस के जरिए अधिक से अधिक युवाओं में वैज्ञानिक समुदाय से जुड़ने तथा अनुसंधान में सक्रिय भागीदारी की इच्छा पैदा हो सकती है। महिला विज्ञान कांग्रेस के विदाई समारोह में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए महिला वैज्ञानिकों श्रीमती इंदुपुरी तथा सुश्री नमिता गुप्ता को सम्मानित किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने पर हम पेश करेंगे विश्व क्षय रोग दिवस पर विशेष रिपोर्ट। तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। इज़राइल, a biblical holy land with a rich culture and history, a country of clean and beautiful infrastructure, a land in conflict and the country with the best soldiers. But what is the secret behind its success, you ask? It's agriculture. Watch our special report from Ground Zero, Israel, a miracle in agriculture. Saturday at 5 p.m. and Sunday at 10 a.m. Only on Rajya Sabha Television. हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी। इसी रोगाणु से ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग होता है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी क्षय रोग उन्मूलन का प्रयास कर रहा है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ क्षय रोग के सर्वाधिक मामले पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 27,90,000 क्षय रोगियों के होने का अनुमान लगाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षय रोग मुक्त विश्व बनाने के लिए दुनिया भर से शीर्ष नेतृत्व करने वालों का आह्वान कर रहा है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। मैं अपनी जिंदगी चैन से नहीं जी सकूंगा जब तक इस डरावनी बीमारी का मानवता से पूरी तरह उन्मूलन न कर दूं। ये रॉबर्ट कोच के उस वक्तव्य का हिस्सा है जो उन्होंने 1882 में ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग रोगाणु पर अपनी खोज की घोषणा करते हुए बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया था। इस खोज के 136 वर्ष बाद भी हमारे देश तथा दुनिया के कई हिस्सों में कई लोग क्षय रोग के शिकार हैं। टीबी किसी को भी हो सकता है। सुप्त क्षय रोग या लेटेंट टीबी तथा इसके संक्रमण पर नियंत्रण की अब तक की कोशिशें संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाई हैं। लिहाजा इस वर्ष क्षय रोग उन्मूलन दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की विषय वस्तु है, आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की जो दुनिया को क्षय रोग मुक्त बना सके। इसका उद्देश्य क्षय रोग के कारणों तथा प्रभाव की जानकारी देने के लिए दुनिया भर में ऐसे नेतृत्व को प्रेरित करना है जिसके जरिए इस बीमारी के उपचार तथा दवाओं के विषय में जागरूकता फैले जिसका इलाज संभव है। कोच तथा उनके उत्तराधिकारियों के अथक परिश्रम के बावजूद टीबी का अब तक उन्मूलन नहीं हो पाया है, जिसकी संख्या गरीब और विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। हमारे देश में लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर क्षय रोग का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से भारत विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक क्षय रोग प्रभावित देशों की सूची में सबसे आगे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में केंद्र सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में क्षय रोग विभाग का गठन किया। क्षय रोग के इलाज के लिए उपलब्ध दवाओं में 1944 में आविष्कार की गई स्ट्रेप्टोमाइसिन, 1946 में आविष्कार की गई 4 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, 1950 में आविष्कार की गई थियोसिटाजोन,
1952 में खोज की गई आइसोनाइजेड तथा 1966 में खोज की गई रिफैम्पिसिन शामिल है। ट्यूबरक्लोसिस कैन स्टे हिडन इन द बॉडी फॉर ईयर्स और फॉर द होल लाइफ टाइम। ऑलमोस्ट 2 billion पीपल ऑन दिस प्लैनेट हैव द टीबी बैसिलाई। सो ट्यूबरक्लोसिस इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट देन अदर इन्फेक्शंस। द बैक्टीरिया doesn't respond to a single antibiotic or a single anti-tubercular drug. So you have to give multiple drugs. So we give at least 4 drugs to treat people who have sensitive tuberculosis. 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से भारत सरकार ने तत्कालीन बैंगलोर में राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान का गठन किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए बीमारी की जल्द पहचान तथा चलित उपचार सेवा आरम्भ की जा सके तथा इसे आम स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ा जा सके। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों से संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP का गठन हुआ। RNTCP में रोग की पहचान तथा चिकित्सा में सफलता की दर काफी बेहतर हुई। इस वक्त की चुनौती वर्तमान डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स या डॉट्स पर आधारित कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना तथा क्षय रोग के रोकथाम के लिए नए अवयवों को लागू करना है। निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा क्षय रोग की पहचान आरंभिक स्थिति में ही की जा सकती है। 3 हफ्ते या अधिक समय तक खांसी का रहना, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द या सांस लेते अथवा खांसते वक्त दर्द होना, बिना कारण वजन कम होना, थकान, बुखार, रात में पसीना आना, ठंड लगना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व तपेदिक रिपोर्ट में टीबी के इलाज के लिए नवीनतम जानकारियों तथा सूचनाओं का संग्रह है। दवाओं के प्रति संवेदनशील टीबी, मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी अथवा सुप्त टीबी संक्रमण के इलाज के लिए चरण 1, 2 या 3 परीक्षणों में 17 दवाएं उपलब्ध है। इनमें 8 नई दवाएं शामिल है, जिनके नाम डेल्पाजोलिड, GSK 3036556, OPC 167832, PBTZ 169, प्रीटोमैनिड तथा Q203 है। चरण 2B के परिणामों के आधार पर 2 अन्य दवाओं बीटाक्विलीन तथा डेलामैनिड की पहले ही त्वरित अथवा सशर्त विनियामक अनुमोदन मिल चुका है। जिन 7 पुनः प्रस्तावित दवाओं का परीक्षण चल रहा है वे हैं क्लोफेजिमाइन, लिनेजोलिड, लिवोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, नीटाजोक्सिनाइड, ऊंची खुराक वाली रिफैम्पिसिन तथा रिफैम्पिनटाइन। क्षय रोग की पहचान आवश्यक है, जो बलगम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की उपस्थिति से होती है। कभी कभार बलगम की सामान्य जांच में न पकड़े जाने वाले रोगाणुओं के कारण फेफड़े के गलने की पहचान एक्सरे से होती है। जब क्षय रोग फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है तो उसे फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों में होने वाला क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग का ये प्रकार हड्डियों, मस्तिष्क, यकृत तथा शरीर के अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है, लिहाजा इस बीमारी के विषय में उच्च स्तरीय जानकारी आवश्यक है। क्षय रोग के लक्षण पर तुरंत डॉक्टर अथवा नजदीकी क्षय रोग केंद्र में जांच करवाएं तथा बेहतर और मुफ्त इलाज पाएं। 21 मार्च को इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस मौके पर एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके जरिए इंडो यूएस फोरम की पिछले 18 सालों की उपलब्धियों को दर्शाया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम यानी IUSSTF द्वारा 21 मार्च को नई दिल्ली में 18वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। IUSSTF का गठन 2000 में भारत तथा अमेरिकी सरकारों ने संयुक्त रूप से किया था, जो एक स्वायत्त शासी द्विदेशीय संगठन है। IUSSTF के 4 भाग हैं: वैज्ञानिक नेटवर्क, अनुसंधान तथा उद्यम, शोध तथा विकास और दौरा कार्यक्रम। स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत में अमेरिका के राजदूत केनिथ जस्टर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा भी शामिल थे। समारोह में पिछले 18 वर्षों में IUSSTF की उपलब्धियों का विवरण दिया गया। इस दौरान IUSSTF की यात्रा गौरवमयी रही है,
जिसमें 20,000 से अधिक भारतीय तथा अमेरिकी वैज्ञानिकों से सीधे संपर्क करना, 340 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित करना, दौरों से जुड़े 15 कार्यक्रम संचालित करने के अलावा भारत अमेरिकी स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास केंद्र, कम संसाधन में रक्तचाप मापने की प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न द्विदेशीय शोध तथा विकास गतिविधियां संचालित करना शामिल है। The National Science Foundation's report indicates that there are nearly 10 lakh Indian origin scientists and engineers working in the United States. Amongst the Asian countries, India continues to be the top country for immigrant scientists and engineers in the United States, which makes up to 3.3% of the total science and engineering workforce, which contributes directly to the United States knowledge economy. स्थापना दिवस समारोह में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शोध तथा अन्य कार्यक्रमों पर IUSSTF की उपलब्धियां दिखाई गईं। इनमें कम लागत वाले परिवहन योग्य अनुसंधान भी शामिल थे। ऐसा ही एक अनुसंधान है ऑटो रिफ्रैक्टर, जो नेत्र विशेषज्ञों को शीघ्रता से आँखों की परेशानियां पहचानने तथा उचित पावर का चश्मा लगाने की सलाह देने में मददगार है। इस अवसर पर IUSSTF की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, बिल्डिंग साइंटिफिक नेटवर्क्स IUSSTF फंडेड वर्कशॉप्स 2014 से 2017 तथा IUSSTF जॉइंट सेंटर्स क्रिएटिंग वर्चुअल पार्टनरशिप। पहली पुस्तक में 2014 से 2017 के बीच संगठन की विभिन्न कार्यशालाओं का विवरण है, जबकि दूसरी पुस्तक में IUSSTF के भारत तथा अमेरिका स्थित विभिन्न अनुसंधान संगठनों तथा प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग के विषय में बताया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान के क्षेत्र में IUSSTF दोनों देशों के छात्रों तथा वैज्ञानिकों को समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आपसी सहयोग तथा रचनात्मक अनुसंधान करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए दिलचस्प वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज मौजूद हैं हम असम की राजधानी गुवाहाटी में, यहां की विधानसभा प्रांगण में। कि 5 लाख असम का स्टूडेंट हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम 5 लाख को कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। अभी कोई अगर इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो उनको मार्केट की जरूरत है, तो साउथ ईस्ट एशिया अगर खुल जाएंगे तो बड़ा सा मार्केट भी बन जाएगा। देखिए, असम में जो लोग बगान में रहते हैं, ये असम के छोड़ के बाकी स्टेट में लोग शेड्यूल्ड नहीं, सरकार इसको लेके फुटबॉल की तरफ खेलता है। अगर दिल्ली जाओ तो दिल्ली बोलता है कि असम सरकार ऊपर ठेल देता है, असम सरकार में बात करो तो असम सरकार दिल्ली के ऊपर ठेल देता है। तो हमारा जितना एडवांटेज है, ये एडवांटेज दूसरा कोई स्टेट का नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, असम इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री। नए सिलसिले का आगाज देखिए राज्यनामा सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के सहयोग से नवाचार तथा उद्यमशीलता के उत्सव यानी फाइन 2018 का आयोजन 19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया। फाइन देश में आविष्कार की संभावनाएं तलाशने का मंच प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ऐसे मूलभूत विचार प्रदर्शित किए गए जो कृषि, ग्रामीण विकास, सफाई, स्वास्थ्य, जैव तकनीकी, चिकित्सा तथा महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में समाज के लिए मददगार हो सकते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य सामाजिक उत्थान के लिए साझेदारों और अनुसंधानकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करना भी था। फाइन पर आधारित एक प्रदर्शनी 23 मार्च तक आयोजित की गई। भारतीय अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक मंगला मणि ने अंटार्कटिका में 400 दिन पूरे कर लिए हैं। इतनी लंबी अवधि तक अंटार्कटिका में रहने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। नवंबर 2016 में अंटार्कटिका स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र भारती में जाने वाली 23 सदस्यीय टीम में वो एकमात्र महिला थीं। उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।
23 मार्च को भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस की विषय वस्तु मौसम के लिए तैयार जलवायु के प्रति सतर्क थी। इस समारोह में CSIR निष्क्रिय नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर मनोज के पटेरिया ने विज्ञान संचार द्वारा हमें मौसम के प्रति सतर्क बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विज्ञान और समाज के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में विज्ञान संचार की भूमिका को समझाया। समुद्री वैज्ञानिक तथा कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में समुद्री विज्ञान विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर NR मेनन की 18 मार्च को हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वे अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के सदस्य थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे स्कूल ऑफ मरीन साइंस और केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इन विश्वविद्यालयों में नए अकादमिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने 20 मार्च को नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में अपना 6वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष के समारोह की विषय वस्तु थी निरंतर नवाचार, एक बाजारोन्मुख मार्ग। इसका उद्देश्य विज्ञान पर आधारित नए स्टार्टअप्स आरंभ करने की रणनीति तथा बाजार में नई तकनीक आरंभ करने के बाद उसके दीर्घकालीन अस्तित्व पर जानकारियों का प्रसार करना था। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। आयोजन के दौरान भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर जी पद्मनाभन का 80वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत का दूसरा भाग डूइंग साइंस इन इंडिया माय सेकंड इनिंग्स का विमोचन किया। इसके पश्चात सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं डॉक्टर वसंत रणछोड़ ग्वारीकर को, जिनका जन्म 25 मार्च 1933 को पुणे में हुआ था। अंतरिक्ष तथा मौसम विज्ञान विभागों में डॉक्टर ग्वारीकर का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा डॉक्टर ग्वारीकर ने भारतीय प्रक्षेपण यानों के लिए ठोस ईंधन तकनीकी विकसित करने में भी मदद की। 1979 से 1985 तक वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक रहे। उनके यादगार कार्यों में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए पहले स्वदेशी मॉडल का विकास करना भी शामिल है, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम रहा। साल 2008 में डॉक्टर ग्वारीकर ने फर्टिलाइजर एनसाइक्लोपीडिया का संकलन किया, जिसमें 4,500 प्रकार के खादों की रासायनिक संरचना, उनकी उपयोगिता तथा निर्माण केंद्रों के विषय में जानकारी थी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर ग्वारीकर को 1984 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया। डॉक्टर ग्वारीकर का 2 जनवरी 2015 को 81 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उनके अमूल्य योगदान पीढ़ियों तक वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम नमस्कार।